नमस्कार दोस्तों, सेहत और जीवन शैली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सांप काटने पर सबसे पहले हमें क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में बताने वाले हैं। सांप या नाग धरती पर सबसे विषैले जंतुओं में से एक है, जिसे काटने पर पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु होना भी संभव है। सांप के काटने की स्थिति में कई बार यह पता नहीं होता कि क्या किया जाए और क्या नहीं। ऐसे में एक छोटी सी गलती भी पीड़ित व्यक्ति को मौत के मुँह में ले जा सकती है। तो आइए हम जानते हैं कि सांप के काटने पर सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। किसी व्यक्ति को सांप काटने पर सबसे पहले उसे सीधा लेटा दे और बिना विलंब किए जल्द से जल्द अस्पताल ले जाने का प्रयास करें। सांप को अच्छी तरह देखने और पहचानने की कोशिश करें, ताकि सांप का हुलिया बताने से चिकित्सक को इलाज करने में आसानी हो। मरीज को शांत रखने की कोशिश करें। मरीज जितना उत्तेजित रहेगा उसका रक्तचाप भी उसी गति से बढ़ेगा। पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर से सारी चीजें जैसे घड़ी, कड़ा, कंगन, अंगूठी, पायल, चेन व जूते, चप्पल आदि सभी चीजें उतार ले। व्यक्ति को बेहोश नहीं होने दे। अगर वह बेहोशी की हालत में हो भी तो उसकी सांसों पर ध्यान रखे और गर्माहट प्रदान करने का पूरा प्रयास करे। पीड़ित को सीधा ही लेटाकर रखे, अन्यथा शरीर में हलचल होने से जहर फैल सकता है। यदि हाथ में सांप ने काटा है तो उसे नीचे की ओर लटकाकर रखे, ताकि जहर का दिल तक पहुँचने में वक्त लग सके। यदि पैर में काटा है तो पलंग पर इस तरह लिटा दे, ताकि मरीज के पैर सीधे लटके रहे। सर्पदंश के स्थान को पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा के पानी अथवा साबुन से धोना चाहिए। सर्पदंश के स्थान से 2 इंच ऊपर कपड़े की पट्टी अथवा रस्सी कसकर बांध दे। पट्टी लगभग 1 इंच चौड़ी होना चाहिए। यह सर्पदंश के 20 मिनट के अंदर बांधी जानी चाहिए। पट्टी इतना टाइट भी नहीं बांधना चाहिए जिससे खून का प्रवाह पूरी तरह बंद हो जाए। जितने ज्यादा क्षेत्र में पट्टियां बांधेंगे उतना फायदा होगा। दिल तक जहर ना पहुंचे इसके लिए धड़ को भी पट्टियों से लपेटा जा सकता है। तो इस वीडियो में आपने जाना कि सांप काटने पर हमें शुरुआत में क्या करना चाहिए। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब एक और नई जानकारी के साथ मिलती है अगले वीडियो में। धन्यवाद।